सिंपल सा एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास, tutorialpoint.com से हमने लिया हुआ है। और ये फसाद पैटर्न थोड़ा सा रिमाइंड करा दूँ कि ये बिल्कुल मीडिएटर की तरह था। फसाद वाले ऑब्जेक्ट को पता होता है कि कौन सा मेरा इंटरनल ऑब्जेक्ट किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, राइट। तो हमारे पास शेप इंटरफेस है और तीन हमारे पास इसके ऑब्जेक्ट्स है इस पैकेज के अंदर। एक सर्कल है, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है। और शेप मेकर जो है ये इसका फसाद है, यानी कि आप अगर इस पैकेज को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं शेप वाले को, तो आप शेप मेकर वाले फसाद को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं डिबग करके साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम जो फसाद क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और इसमें आप देख रहे हैं कि फसाद जब इनिशिएट होता है तो इसके इंटरनल पैकेज में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सारों का रेफरेंस जो है ये अपने पास इनिशियलाइज कर लेता है, ठीक है। और क्लास लेवल पर उनकी डिक्लेरेशंस है। तो अब फसाद जो है वो इनिशियलाइज हो गया। अब फसाद को आप कहते हैं कि सर्कल ड्रा करो, तो अब ये सर्कल के अब सर्कल को आपको ड्रा करके देगा, ठीक है। अब आपके पास ये वाली कम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है कि आप खुद सर्कल वाले ऑब्जेक्ट का आप सर्कल वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं और फिर उसके ऊपर ड्रा का मेथड उसको कॉल करें। ये काम आपके बिहाफ पे फसाद जो है ये खुद करेगा। तो ये इसको आप कहते हैं कि ड्रा सर्कल। तो ये देखिए, ये सर्कल के ऑब्जेक्ट को कह रहे हैं कि तुम ड्रा कर दो, ठीक है। और इसने उसको ड्रा कर दिया। इसी तरीके से आप रेक्टेंगल ड्रा कर रहे हैं, तो ये रेक्टेंगल ड्रा हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है जो डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है ट्यूटोरियल पॉइंट की। उसमें ड्रा के मेथड के अंदर मैंने एक ऑप्शनल ये एरे डिफाइन कर दिए, ठीक है। ये पता नहीं आप लोगों ने यूज़ किए जावा के अंदर या नहीं किए। इसमें ये है कि ऑप्शन जो है आप इसको पास कर सकते हैं, वन आर में ज़ीरो आर मेनी ऑप्शन आप इसको पास कर सकते हैं। तो ऑप्शंस जो है वो अगर आप इसको पास करेंगे तो वो साथ यहाँ पे अपेंड करके प्रिंट हो जाएगा, और अगर नहीं पास करेंगे तो कुछ भी साथ प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये ड्रा मेथड कॉल हो गया। और ये मैंने क्यों ऐड किया है इसकी रीज़न मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब आप इसको कहते हैं कि स्क्वायर ड्रा कर दो, ये स्क्वायर को भी ड्रा कर लेता है, ठीक है। मतलब है आपने फसाद पैटर्न के थ्रू उसके इंटरनल पैकेजेस के जो मेथड्स अवेलेबल है जो वो आपको सर्व कर सकते हैं वो सारे आपने एक्सेस आपको मिल गई है, ठीक है। और ये इसका आउटपुट है कि सर्कल जो है वो ड्रा हो गया, फिर रेक्टेंगल ड्रा हो गया और फिर स्क्वायर ड्रा हो गया, ठीक है। और ये जो ऑप्शंस का वो नज़र आ रहा है उसको मैंने प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं किए, असल में उसको मुझे एट्रेट करके प्रिंट कर लेना चाहिए था, लेकिन जस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ कि उससे हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब बजाय इसके आप इसका ये रेफरेंस नंबर ये चीज़ें सिर्फ प्रिंट करें, मैं चाहता हूं कि आप इस फसाद पैटर्न को डेकोरेटर पैटर्न के साथ कंबाइन करें और इसको आप जो जो ऑप्शन पास करें वो वाली डेकोरेशन उसके ऊपर अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग या थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है, लैब टास्क है, लेकिन अब हम थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता पैटर्न को रिलेट करने की तरफ जाएंगे कि एक पैटर्न के साथ दूसरे को किस तरह हम पास कर लिया करें, ठीक है, उसको यूज़ कर लें। तो अब यहाँ पे अगर आप ड्रा सर्कल कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी आप ऑप्शंस वगैरह पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको पास करते हैं कि अच्छा जी आपने कौन से ऑप्शंस के साथ इसको ड्रा करना है, तो ये ऑप्शन एज इट इज़ जो है फिर आप इसको पास करेंगे। और जो ऑप्शंस आपने पास किए होंगे वो यहाँ पे क्या होगा कि आप देखेंगे कि ऑप्शंस के अंदर अगर रेड है तो सर्कल जो है वो रेड डेकोरेशन के साथ प्रिंट हो जाए, अगर उसके साथ बॉर्डर की थिकनेस है तो बॉर्डर की थिकनेस के साथ वो हो जाए प्रिंट हो जाए, और अगर वो दोनों है उसके अंदर, ठीक है, आप इसमें जो पैरामीटर पास कर सकते हैं ये कॉमा सेपरेटेड आप जितने चाहें इसको पैरामीटर पास कर सकते हैं, तो वो फिर आप जितने डेकोरेशन पास हुई हुई है इसको उतने डेकोरेशन के साथ जो है ये ड्रा हो जाए। तो चले देखते हैं आप लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं या नहीं, नहीं तो फिर मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये आपका लेब टास्क है, ठीक है, फसाद पैटर्न का, क्योंकि बड़ा सिंपल सा पैटर्न है तो इसका बेहतर यूज़ यही है कि हम इसको एक और पैटर्न के साथ रिलेट करके थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क करें, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इसको पास कर लेना है कि ठीक है, एक आप जो है ऑप्शंस का वो ले लें कि अब अगर आप रेड पास करते हैं तो रेड डेकोरेशन के साथ जो है वो
प्रिंट हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से आप कॉमा सेपरेटेड इसको आप ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, कॉमा बल्कि ये इसका एग्जैक्ट मुझे सेंटेक्स थोड़ा सा कंफ्यूज है, मैं यहाँ इस तरह अपने पास करने हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं बल्कि डायरेक्टली। तो अब इसको दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, ड्रॉ सर्कल, ठीक है। मैं इसको दोबारा रन करके आपको बता दूंगा, ये ऑप्शंस आ गए और ये यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ तक आ गए, ठीक है। लेकिन हम जो ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, ये हमने किसको पास कर दिया था, ड्रॉ सर्कल वाले को। तो ड्रॉ सर्कल में जो ऑप्शंस आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो प्रिंट हो जाए, ठीक है, उसके साथ। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि डॉट टू स्ट्रिंग भी शायद इसका रेफरेंस प्रिंट करे, लेकिन चले देख लेते हैं, ठीक है, कि इस वाले टाइप ऑफ ये आपको अलाउ करता है कि जीरो और मैनी कॉमा सेपरेटेड ऑप्शंस आप इसको स्ट्रिंग के पास कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार रन कर लेते हैं और देखते हैं कि ये इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। अच्छा, वो अभी भी रेफरेंस पा वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है। सर्कल जो है वो अभी भी रेफरेंस आपको प्रिंट कर रहा है। हमें रेफरेंस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हम इसका जो ऑप्शंस है वो प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि चले इसको प्रिंट ऑप्शंस, ठीक है। मैं इसका इंटरनल मेथड बना लेता हूँ, प्रिंट विथ ऑप्शंस, ताकि हम ऑप्शंस को इटरेट करें और फिर हम जो है वो उसको प्रिंट कर दें, ठीक है। तो मैं फॉर ईच का लूप लगा रहा हूँ, फॉर स्ट्रिंग ओ पी टी एन ऑप्शंस, ठीक है। और यही सिस्टम डॉट प्रिंट एरर हम प्रिंट कर लेते हैं सिंपल, नेक्स्ट लाइन की ज़रूरत नहीं है। कॉमा सेपरेटेड जो है ऑप्शंस को प्रिंट करेंगे, ठीक है, या स्पेस के साथ हम प्रिंट कर लेते हैं। तो ओ पी टी को मैंने प्रिंट कर दिया, प्लस मैं कहता हूँ कि एंड स्पेस स्पेस लगा दूँ, ठीक है, और दैट्स इट। अच्छा, ये इसको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये अगर रिटर्न कर रहा है तो चले हम इसको रिटर्न कर लेते हैं। वैसे स्ट्रिंग बिल्डर आपको यूज़ करना चाहिए, लेकिन फॉर द टाइम मैं आपको ऑप्शंस हम इसको अपेंड करके रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है। चलिए दोबारा रन कर लेते हैं इसको। तो ये देख रहे हैं अभी आपको, आपके पास जो सर्कल प्रिंट हो गया, वो कहते हैं रेड और थिक बॉर्डर के साथ इसको प्रिंट कर दो, ठीक है। तो अब ये तो मैंने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है ये आप डेकोरेटर पैटर्न के थ्रू इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल एक एग्जांपल आपको करके दे दिए, आप बाकी बाकी रेक्टेंगल और शेप में भी आप इसको अप्लाई करें, पहला टास्क ये हो जाएगा। और दूसरा टास्क ये हो जाएगा कि आप जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है उसको डेकोरेटर के साथ कर दें, ठीक है। तो डेकोरेटर के साथ कैसे करोगे, अब शेप मेकर जो है वो डेकोरेटर जो क्लास है उसका, उसके थ्रू फिर सर्कल को एक्सेस करेगा, तो जो डेकोरेशन है वो फिर मिडल में अप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसको उसके साथ कंबाइन करें और देखें कि आप कहाँ तक इसको कर लेते हैं। चलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ।